तो भाई एक ऐसे आदमी के ऊपर फिल्म बनाना जिसने भारत के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दिया, कम्युनल कैसे हो गया, आइए आज डिस्कस करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है, श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय देवगन की एक नई पिक्चर जल्द ही निकलने वाली है जिसका नाम है तनाजी द अनसंग हीरो। और ये कहानी है तनाजी मालुसरे की, जो एक महान योद्धा थे और छत्रपति शिवाजी के एक साथी थे, जो शिवाजी के साथ खड़े होकर कई लड़ाइयों में लड़े थे। उन्होंने सिंहगढ़ की लड़ाई में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जहां पर मुगलों के एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण किले पर मराठों ने कब्जा किया था। तो पहली बात तो अगर आपने ट्रेलर देखा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस ट्रेलर को डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस ट्रेलर को जाके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो कहानी ऐसी है कि ये जो सिंहगढ़ का किला था ये एक पहाड़ी के टीले पर था और इस पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा मुश्किल माना जाता था। तो तनाजी और उनके 300 योद्धा पहाड़ी के एक ऐसे साइड से चढ़ के किले तक पहुंचे जिस साइड पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता था। और जब तनाजी और उनके योद्धा किले में पहुंचे तो उनके बीच और एक मुगल अफसर उदय भान और उसके सिपाहियों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान दुर्भाग्य से तनाजी की जो ढाल थी वो टूट गई और तनाजी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बावजूद जब तक उस किले पर मराठों की विजय नहीं हुई तब तक तनाजी लड़ते रहे। मराठों की जीत के बाद दुर्भाग्य से तनाजी अपने घावों के वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए। ये खबर सुनकर शिवाजी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध कहावत कही, गढ़ आला पन सिंह गेला, जिसका मतलब किला तो हमने जीत लिया लेकिन शेर को खो दिया। तनाजी की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के रूप में शिवाजी ने किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया और इस वजह से इस किले को सिंहगढ़ कहा जाता है। तो ये है तनाजी की कहानी, एक महान योद्धा जिन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया ताकि भारत और भारत की संस्कृति जिंदा रह सके। तो भारत के ऐसे महान आत्मा की कहानी को बताना तो एक खुशी की बात होनी चाहिए, नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भैया तनाजी एक हिंदुत्व का चिन्ह बन चुके हैं, एक आदमी जिसने भारत के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दिया अब वो एक फैशिस्ट बन चुका है। अबे ये क्या बीमारी है भाई? मैं बताता हूँ ये क्या बीमारी है। आप कौन है? मेरा नाम है डाकू डॉक्टर। क्या आप थके हुए महसूस करते हैं? क्या आपको इस बात का बहुत गुस्सा है कि लोग मुगलों से प्यार क्यों नहीं करते? क्या आपको गुस्सा आता है जब लोग भारत की मूल संस्कृति से प्यार दिखाते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है जब लोग ऐसे योद्धाओं से प्यार दिखाते हैं जो बाहरी घुसपैठियों से लड़ते थे? क्या आपके दिल में औरंगजेब के लिए बेइंतहा प्यार है? क्या आपको लगता है कि उर्दू एक खूबसूरत जबान है लेकिन संस्कृत एक फालतू भाषा है? अगर आपको ऐसे लक्षण है तो आपको सेक्युलराइटिस हो रखा है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे लाखों लोग भारत में जूझ रहे हैं। ये बीमारी खासकर लुटियंस मीडिया में और बड़े बड़े भारत के कॉलेजेस में, जैसे कि JNU, जादवपुर और सेंट स्टीफन्स कॉलेज जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका इलाज है। जहां पर दर्द होता है, जहां पर जलन होती है, वहां पर थोड़ा परनॉल लगाएं और श्याम शर्मा शो देखते रहें, धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। डाकू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तो दुर्भाग्य से तनाजी का ट्रेलर देख के ये बीमारी बहुत लोगों की और भी खराब हो गई। याद रखें, ये ऐसे मराठों की कहानी है जो एक ऐसे तानाशाह से लड़ रहे थे जो भारत की मूल संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। ये एक ऐसे भारतीय योद्धा की कहानी है जो एक ऐसे कट्टरपंथी तानाशाह से लड़ रहा था जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा था और गैर मुसलमानों के ऊपर जजिया लगा दिया था। एक हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो पूरा ट्विटर थ्रेड बना रखा था कि किस तरह से ये मूवी का जो ट्रेलर है ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, ये ट्रेलर कास्टिस्ट है, उन्होंने भगवे रंग का मजाक उड़ाया जर्नलिस्ट ने, और इन्होंने इस ट्रेलर को कहा कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरा हुआ है, सेक्युलराइटिस की एक और मरीज। और क्विंट ने फिर हिंदुस्तान टाइम्स के इस जर्नलिस्ट को ये बवासीर करते हुए देखा और उन्होंने कहा, भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो वो भी मराठाओं का मजाक उड़ाने लगे, वो भी ट्रेलर का मजाक उड़ाने लगे, वो कहने लगे कि क्या तनाजी गिरगिट है, वो कहने लगे कि क्या मराठा हवाबाजी करते हैं। और फिर आया लल्लन टॉप। लल्लन टॉप ने कहा कि अबे तुम दोनों रहने दो, तुम दोनों से ना हो पाएगा, सबसे बड़ी बकवास तो मैं करूंगा। लल्लन टॉप ने कहा कि तनाजी का जो ट्रेलर है ये भारतीय समाज के लिए खतरा है।
और कुछ लोगों का पिछवाड़ा तो तनाजी का ट्रेलर देख के इतना जला कि उन्होंने ट्विटर पे एक थैंक्स मुगल नाम का हैशटैग शुरू कर दिया। वहां पे वो मुगलों को धन्यवाद दे रहे थे तरह तरह की चीजों के लिए। उन्होंने बिरयानी के लिए मुगलों को धन्यवाद दिया, कह रहे थे कि अगर मुगल भारत में नहीं आते तो भारत में कभी बिरयानी भी नहीं आती। यार लेकिन ये सोचने वाली बात है, मेक्सिको के लोगों ने तो कभी भी भारत के ऊपर राज नहीं किया, फिर भारत में मेक्सिकन खाना कहां से आया? फिर वो मुगलों को उर्दू के लिए भी धन्यवाद दे रहे थे। तो नित्यानंद मिश्रा हैं, जो एक संस्कृत के बहुत प्रमुख लेखक हैं, उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा, मैं उत्तर भारत से हूं, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैंने कई किताबें लिखी हैं हिंदी में, मेरी हिंदी जो है वो संस्कृत और प्राकृत से आती है। उर्दू के 99% क्रियाएं और 75% शब्द जो हैं वो संस्कृत और प्राकृत से आते हैं, तो उर्दू बोलने वालों को संस्कृत और प्राकृत का धन्यवाद देना चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो मुगलों को अखंड भारत बनाने का धन्यवाद दे रहे थे। मतलब ये क्या है डाकू डॉक्टर? देखिए, ये सेक्युलराइटिस का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, मेमोरी लॉस, याददाश्त का गायब हो जाना। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। हाँ, ये मतलब कमाल की बात है यार। मतलब मौर्यन राज तो भारत में कभी था ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो भारत में कभी थे ही नहीं, चाणक्य का तो हम सबको सपना आया था। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत खतरनाक बीमारी लगती है। तो भाई अगर हम मुगलों को धन्यवाद दे रहे हैं तो हमें मुगलों को और चीजों के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, जैसे कि हमें भारत में औरतों को ये तंबू पहनाने के लिए, निकाह हलाला के लिए भी हमें मुगलों को धन्यवाद देना चाहिए। और उसके बाद फिर ट्विटर पे एक अभिजीत मजूमदार है, उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया इस थैंक्स मुगल्स का। उन्होंने बाबरनामा में जो एक शेर लिखा था उसको बताया ट्विटर पे। बाबर ने कहा, इस्लाम की खातिर मैं एक रमता जोगी बन गया, मैंने काफिरों और हिंदुओं से युद्ध किया, मैंने एक शहीद बनने की ठानी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक गाजी बन गया, गैर मुसलमानों का हत्यारा। वाह, थैंक्स मुगल्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया, औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा और गैर मुसलमानों के ऊपर जजिया लगा दिया, थैंक्स मुगल्स। और मुगलों के वजह से अंततः भारत देश के 3 अलग अलग टुकड़े हो गए, थैंक्स मुगल्स। मुगलों की वजह से लाखों औरतों को या तो गुलामी में बेच दिया गया या हरमों में फेंक दिया गया, थैंक्स मुगल्स। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुगलों को किस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको तनाजी का ट्रेलर कैसा लगा, मुझे वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप सेक्युलराइटिस की बीमारी से लड़ना चाहते हैं, सेक्युलराइटिस को खत्म करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को जरूर लाइक करें, जरूर थम्स अप दें, इस एपिसोड को जरूर शेयर करें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है, और सेक्युलराइटिस के खिलाफ लड़ाई में भी इससे बहुत मदद होगी। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। आप पेट्रियन पे जाके मेरे जो गेस्ट हैं जिनसे मैं पॉडकास्ट करता हूं उनसे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो पेट्रियन का है उस पर भी आपको एक्सेस मिलेगा, तो जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, शो के एक सब्सक्राइबर बनिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे यहाँ और भी एपिसोड है, जरा उनको भी जाकर देखिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।